मई 2016 की एक गर्म शाम में पा हलूँ था उन शख्स दा जैसे कौमी शहूर का घबराइजी खे सरकारी कागजन में 2014 में मोल जणाय जैसे लाइ शेख अयाज जो ही सिटरू दिल से तरी अचन थी के मू तारीख थियन था इन घायल धरती के सीने ते अड़ी गहरी चीख थियन था जा दुनिया के जागाए थी जा दुनिया के बदलाए थी। 1936 में शहदादकोट लग टालके गड़ी खेरे के गोठ रेहान खान जमाली में जन्म वठंदड़ उस्मान जमाली सोबत जीएम सैद में अचण बाद फ़कीर उस्मान जमाली सदराण लगो। इन इब्तदाई तालीम 6 दर्जन तई 1955 में पास कयाई। अमर जलील के किताबन के महाग में जानायल इन पुरसरार शख्स के जिक्र 80 वारे ॾहाके में सिंधी अदब के पढ़ंदड़ लाइ इन शख्स में खास दिलचस्पी पैदा कई। फ़कीर उस्मान जमाली रिवाजी शौक शिकार करण बजाय किताब पढ़न पढ़ाण ऐं गॾु करे लाइब्रेरी जोड़ण खे अपनायो। संदस जो चवण हो त सिंध जी हर सियासी समाजी प्रोग्राम हुजन या सूफी इकराम जा उर्स मुबारक ऐं उन्हनि में थींदड़ अदबी निशस्तूं हुजनि फ़कीर उन्हनि में का बि हाज़िरी न घुसाए पाण खे क़ौमी शऊर सां पेवस्त रखियो ऐं उतां वापसी में पंहिंजे मुनफरिद गोदड़ी में किताब भरे अची ॻोठ वारनि खे इल्म व अदब खां आरास्ता कंदो रहियो। फ़कीर उस्मान जमाली मजाजी इश्क भी कयो ऐं बाद में हक़ीक़ी इश्क ॾांहुं पहुतो। इश्क मुतलिक संदसि चवण हो त पर सिंध में जेके बि कम पढ़ा मां सभई पढ़िया। मुंहिंजो अंदाज़ो आहे 2000 जे लॻभॻि आहे अख़बार जा पंहिंजे मोकिलियो। इश्क जीएम सैद जे यगाने पांधीअड़े जीएम सैद खां वठी आरिसर सोबे ज्ञानचंदाणी ऐं बशीर खान कुरैशी सां तमामु वेझो रहियो ऐं साणस बेशुमार तहरीकुनि ऐं निजी कचहरियुनि जो हिकु जीअरो जाॻंदड़ दस्तावेज़ आहे। फ़कीर उस्मान जमाली सोबे ज्ञानचंदाणी जे आख़िरी ॾींहनि में साणस तमामु घणो गॾु ऐं वेझो रहियो ऐं अॼु बि संदसि सोबे ज्ञानचंदाणी जे लाइ थींदड़ हर गॾिजाणी में शरीक थिए थो। हिन सिंध जे यगाने किरदारु साईं जीएम सैद खां मुतासिर थी पंहिंजे ॿिनि पुटनि समेत चइनि नियाणियुनि खे बि तालीम ॾियारे क़बाइली निज़ाम खे अमली तौरु क़बूल न कयो। न सिर्फ़ु नियाणियुनि खे तालीम ॾियारी पर खेनि सरकारी नौकरी करण लाइ बि इजाज़त ॾिनी। फ़कीर उस्मान जा अॼु बि फ़क़ति 3 संगती आहिनि, हिकु रेडियो ते हलंदड़ BBC ऐं सिंधी सूफ़ियाणो राग ऐं सिंधी किताब ऐं माज़ी में मोहसिन सिंध सां घारियल घणियुनि जूं यादगिरियूं। कैमरामैन वकार भट्टीअ सां गॾु रमीज़ मक्सी, शाह दवाण, वाई साहब, शहदादकोट।